अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं कवल अय्यूब और आप लोग देख रहे हैं टेक कैपिटल, आपका शो जिसमें हम लोग लेके आते हैं आपके लिए बहुत सारी आईटी की न्यूज़, टेलीकॉम की न्यूज़ और कुछ इंटरेस्टिंग बातें सोशल मीडिया की और बहुत सी इन्फॉर्मेटिव बातें। आज भी हम लोग एक इन्फॉर्मेटिव सेशन आपके लिए लेके आए हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे हमारे सेकेंड सेगमेंट पे। उसके अलावा हम लोग सोशल मीडिया की, ऑफकोर्स हमारे पास बातें हैं, लेकिन सोशल मीडिया इस दफ़ा हमारा सैड है। आई नो आप लोग को पता होगा कि वो इतना सैड क्यों है, तो ऐसा करते हैं शो का आगाज़ करते हैं पहले अपनी हेडलाइंस। एप्पल स्टोर बेचेगा अब रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट भी। बीजूस लाया पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन फिल्म यूट्यूब पर। आपका स्मार्ट लेंस देगा आपकी मर्जी का शेड। करीम को अब चलाएंगी फीमेल कैप्टन्स। रोबोट्स अब बच्चों को कोडिंग सिखाएंगे। वेल व्यूअर्स, आप लोगों ने हेडलाइंस देखी, अब हम लोग चलते हैं अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। और सबसे पहली न्यूज़ आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इट्स अबाउट एप्पल, और वो एक मेरे ख्याल से एप्पल लवर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, एक बहुत ही खुशखबरी और कहते हैं गुड न्यूज़ एप्पल लवर्स के लिए, बिकॉज एप्पल ने अब स्टार्ट कर दिए हैं अपने रिफर्बिश प्रोडक्ट्स भी। लाइक अब एप्पल स्टोर पर आपको एप्पल के अपने प्रोडक्ट्स तो मिलेंगे ही, लेकिन आपको एप्पल के रिफर्बिश प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे उन लोगों के लिए जो नए जो कभी कभी एप्पल के प्रोडक्ट्स इसलिए नहीं खरीद सकते क्योंकि उनमें जो प्राइस होती है वो उनके बजट से थोड़ी सी बाहर होती है। खैर, अब रिफर्बिश प्रोडक्ट्स की प्राइस भी मैं ये कहूंगी कि वो बहुत ज़्यादा आपके बजट में नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है एप्पल के ओरिजिनल प्रोडक्ट से। खैर, ओरिजिनल तो ये भी हैं, लेकिन एप्पल के जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं उससे रिफर्बिश प्रोडक्ट्स की प्राइस ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। और लेकिन रिफर्बिश प्रोडक्ट्स अब अवेलेबल होंगे, जैसे कि मैक आप आईपॉड्स ले सकते हैं, आईफोन्स भी ले सकते हैं। वेल, इन प्रोडक्ट्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये एप्पल के एक प्रॉपर मैकेनिज्म से गुजरेंगे, जो रिफर्बिशमेंट का उनका एक मैकेनिज्म है उससे गुजरेंगे, और क्योंकि ताकि वो एप्पल की हाई क्वालिटी को इंश्योर कर सकें कि लोगों के पास जो प्रोडक्ट जा रहा है ऑफकोर्स लोगों को उसकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं मिलनी चाहिए जो एप्पल प्रोडक्ट्स हैं उनसे। और ये भी कि इसके साथ एक साल की लिमिटेड वारंटी आएगी, और इसके अलावा अगर कुछ लोग चाहते हैं कि उनके रिफर्बिश प्रोडक्ट्स थोड़ा ज़्यादा चलें तो वो एप्पल की एप्पल केयर ले सकते हैं टू एक्सटेंड दैट थिंग। वेल व्यूअर्स, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज़ जो कि है अबाउट सोशल मीडिया जाइंट्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और माइक्रोसॉफ्ट। दे ऑल आर प्लानिंग कि वो उनकी वेबसाइट के ऊपर या उस सोशल मीडिया के ऊपर जितना भी टेररिज्म मटेरियल है, जितनी भी बातें टेररिस्ट से रिलेटेड हैं या ऐसी चीज़ें जो टेररिज्म को प्रमोट करती हैं, वो इस तरह की चीज़ों को हटा रहे हैं, उनका वो कहते हैं ना क्रैकडाउन कर रहे हैं। जस्ट लाइक कि अगर कुछ पिक्चर्स हैं जो कि वायलेंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं तो वो पिक्चर्स हटाई जाएंगी, ऐसे हैशटैग्स जिससे उनका मैसेज बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना स्प्रेड किया जाता है, ऐसे हैशटैग्स को रिमूव कर दिया जाएगा, प्लस ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिनको क्रैकडाउन किया जाएगा, जिनको ट्रैकडाउन किया जाएगा, ताकि लोगों तक ये जो कहते हैं ना कि एक नेगेटिविटी है उसे ख़त्म किया जाए, सोशल मीडियाज़ के ऊपर जितना भी टेररिज्म मटेरियल है उसे ख़त्म किया जाए, ताकि लोगों के जो दिमाग हैं या लोगों की जो वो कहते हैं अवेयरनेस है वो अच्छी चीज़ों की तरफ ज़्यादा आए। और इस तरह की चीज़ों पे लाइक इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो हमारी यंग जनरेशन को इनकरेज करे इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने से। वेल व्यूअर्स, हम लोग स्मार्टफोन्स की बातें तो हर दफ़ा कर रहे होते हैं, इनफैक्ट हम लोग स्मार्ट कार्स की बातें कर रहे होते हैं और स्मार्ट होम्स की बातें भी हो रही होती हैं, लेकिन अब हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है स्मार्ट लेंसेज। अब क्योंकि दौर बहुत तेज़ हो रहा है स्मार्ट लेंसेज के ऊपर, खैर काफ़ी टाइम से काम तो हो रहा था, रिसर्च तो बहुत ज़्यादा की जा रही थी, लेकिन अब जो एक रीसेंट रिसर्च है अकॉर्डिंग टू दैट, अब जो आपकी स्मार्ट लेंसेज हैं उन्हें इस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है, दे आर प्रोग्रामेबल स्मार्ट लेंसेज जो कि अपना शेड खुद चेंज कर लिया करेंगे फ्रॉम बिल्कुल गोइंग फ्रॉम ट्रांसपेरेंट टू द डार्कर शेड्स। लाइक वो ऑटोमेटिकली इस तरह प्रोग्राम किया जाएगा कि वो आपकी आंखों के अकॉर्डिंगली अपने शेड्स बदलेंगे। सो लेट्स सी कि ये प्रोग्रामेबल लेंसेज किस हद तक कामयाब होते हैं, बिकॉज अभी एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना, रिसर्च इस पर अभी तक जारी है, तो लेट्स सी कि रिसर्च इसे किस हद तक आगे लेके जाती है, किस हद तक हमारी जो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती है कि हमारी आंखों के जो लेंसेज हैं वो खुद ही अपना शेड बदलेंगे या नहीं। वेल व्यूअर्स, माई नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट इज़ अबाउट एप्पल, और वो ये है कि एप्पल ने रिवील किया है कि 2016 में एप्पल स्टोर से, आईट्यून से वो कौन सी ऐसी ऐप्स हैं जो सबसे ज़्यादा डाउनलोड हुई हैं। तो एप्पल ने ऐसी 10 ऐप्स को रिवील किया है और बताया है कि ये 2016 में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप्स थी, जिसमें सबसे पहले हम नाम देखते हैं स्नैपचैट का, जो कि ज़्यादा हैरानकुन बात नहीं है मेरे लिए भी, ऑफकोर्स आप लोग के लिए भी नहीं होगी। नो डाउट हम सबको पता है कि स्नैपचैट इज़ वेरी एक्टिव फ्रॉम लास्ट वन ईयर, है तो बहुत टाइम से, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया स्नैपचैट फ्रॉम लास्ट दिस ईयर, मतलब 2016 के स्टार्ट से ही लोगों ने, इनफैक्ट कंपनीज ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया स्नैपचैट को बहुत ज़्यादा, और बाकी सोशल मीडिया जॉइंट्स ने इनफैक्ट कॉपी करना स्टार्ट कर दिया स्नैपचैट के फीचर्स को, बिकॉज स्नैपचैट बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा था। और इसका प्रूफ है कि एप्पल स्टोर पर सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप स्नैपचैट है। उसके बाद हम लोग कुछ ऐप्स देखते हैं, एंड देयर लाइक फेसबुक मैसेंजर है उसमें, उसके अंदर हम नेटफ्लिक्स को देखते हैं, उसके अंदर हम लोग यूट्यूब को देखते हैं, फेसबुक को देखते हैं, इंस्टाग्राम को देखते हैं, फोर्थ नंबर पे इंस्टाग्राम है आई गेस। तो
ये हमें ये चीज़ एक चीज़ का अंदाज़ा आपको हो गया होगा इन सबको देखने में कि इन सारी ऐप्स में मेजॉरिटी जितनी भी ऐप्स हैं वो सारी सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं। वो एक आप क्यों कहते हैं ना, लोगों को सोशली कनेक्ट करने वाली ऐप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही हैं या लोगों को एक साथ लाने का वो कहते हैं जरिया बन गई हैं। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो कि है अबाउट वारिद 3G। जैसे कि आपको पता है कि वारिद और मोबिलिंग का मर्जर हो गया और इससे पहले वारिद के जितने भी कस्टमर्स थे वो यूज़ कर रहे थे LTE सर्विसेज, लेकिन अब वारिद के कस्टमर्स 3G सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग देयर सिम। क्योंकि जब भी आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे शिफ्ट करते हैं या फिर आप 3G से 4G सर्विस आपको चाहिए होती है तो यू हैव टू चेंज योर सिम। लेकिन वारिद कस्टमर्स जो हैं वो लकी हैं इसलिए क्योंकि दे आर यूजिंग LTE टेक्नोलॉजी और LTE एक वो कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है थोड़ा सा, तो वो एक सिम के साथ 3G सर्विसेज भी ले रहे हैं और 4G सर्विसेज भी। वेल व्यूअर्स, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट है इंस्टाग्राम के बारे में और हर हफ्ते ही हमारे पास इंस्टाग्राम की एक नई न्यूज़ अपडेट होती है। खैर इस दफ़ा इंस्टाग्राम ने क्या किया है, इंस्टाग्राम ने एक लाइक फीचर इंट्रोड्यूस करा दिया है। जैसे कि आपको पता है कि आप इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स तो लाइक करते ही थे लेकिन अब आप इंस्टाग्राम पे कमेंट्स को भी लाइक कर सकते हैं। जैसे आप फेसबुक पे करते थे, आपको किसी का कमेंट अच्छा लगता था तो आप उसे लाइक कर देते थे, और यही चीज़ हमने देखा था कि कुछ अर्से पहले ट्विटर ने भी इंट्रोड्यूस कराई थी कि आप ट्वीट भी लाइक करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अब आप इंस्टाग्राम के कमेंट्स भी लाइक कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम ने एक और चीज़ जो इंट्रोड्यूस कराई है वो ये है कि अगर आपने अब अपने किसी फॉलोअर को अपने अकाउंट से रिमूव करना है तो आप उसे ईजिली रिमूव कर सकते हैं बजाय इसके कि आप उस फॉलोअर को पहले ब्लॉक करते और फिर अनब्लॉक करते। खैर अनब्लॉक तो आप बाद में नहीं करते, लेकिन देन अगेन कभी आपकी ब्लॉक लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है तो यू हैव टू अनब्लॉक फ्यू पीपल कि आपके पास थोड़ी सी और स्पेस आ जाए। तो अब आपका वो मसला सॉल्व हो गया, आपको हर किसी को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ फॉलोअर पे जाएंगे और उसे रिमूव करेंगे तो आप इजीली किसी को रिमूव कर सकेंगे अपने इंस्टाग्राम से। वेल व्यूअर्स, अगर मैं बात करूं करीम की ऐप सर्विस की तो मुझे लगता है कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे इसके बारे में पता नहीं होगा, बिकॉज अभी कुछ अर्से में ये जितनी भी कैब सर्विसेज हैं जो हम खासतौर पर अपने एक एप्लीकेशन के थ्रू जिनके साथ वो कहते हैं ना कि बुकिंग करते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, जस्ट लाइक करीम एंड देन देयर इज़ ईजी टैक्सी एंड देन देयर इज़ ऊबर। तो ये सारी जो ऐप्स हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है और एक दूसरे के साथ कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा है। तो एक दूसरे के साथ ये जो कंपटीशन को कैटर करने के लिए ये एक नया नया फीचर लेके आती है, और करीम ने इस दफ़ा किया है एक बहुत ही मज़े का फीचर पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए, और वो है मैं हूँ आज़ाद। मैं हूँ आज़ाद एक ऐसा वो कहते हैं टैग लाइन है जिसके नीचे करीम में अब उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो ड्राइव करेंगी फीमेल कैप्टन। जैसे कि आपको पता है कि वेन यू आर टॉकिंग अबाउट करीम तो करीम अपने जो ड्राइवर्स हैं उन्हें ड्राइवर्स नहीं कहते, दे कॉल इट कैप्टन। तो उनके कैप्टन हैं मेल कैप्टन के साथ साथ अब करीम की गाड़ियाँ ड्राइव करेंगी फीमेल कैप्टन्स भी। तो मेरे ख्याल से वो जितनी भी लड़कियां थी जो शायद वो सर्विस नहीं अवेल कर रही थी बिकॉज वो थोड़ी सा हेजिटेंट थी, लेकिन अब वो मेरे ख्याल से बड़े आराम से कर सकती हैं। और जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में फीमेल्स की रेशियो जो है वो मेल से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से औरतों के पास एक अच्छा तरीका है टू अर्न सम मनी इन अ वेरी डिसेंट वे, क्योंकि करीम की कार्स आपको पता है दे आर वेरी गुड कार्स, और फिर जब आप लोग ऐप्स के थ्रू कुछ यूज़ करते हैं तो इट्स मोर सिक्योर। तो एक लड़की अगर फीमेल ड्राइवर के साथ सफ़र करेगी उसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा मेरे ख्याल से। तो मेरे इट्स अ पॉजिटिव थिंग, लेट्स सी कि पाकिस्तान में कैसे चलती है। मूविंग टुवर्ड्स अ नेक्स्ट न्यूज, और हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है इट्स अबाउट रोबोट, अ वेरी क्यूट लिटिल रोबोट जिसका नाम है कैमीबॉट। और ये कैमीबॉट क्या करता है, ये बच्चों को कोडिंग सिखाता है। साउंड्स बोरिंग आई नो, लेकिन ये बात इतनी बोरिंग नहीं है क्योंकि ये रोबोट जिस तरीके से आपके बच्चों को कोडिंग सिखाएगा वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि बच्चों को सिर्फ एक स्क्रीन के ऊपर कोडिंग नहीं सिखा रहे, आप अपने बच्चों को बचपन से ट्रेन करना चाहते हैं कि थोड़े से शार्प हो, उन्हें कोडिंग का सेंस हो, बिकॉज वी सी के दुनिया बहुत ज्यादा तेजी से चल रही है, एवरीथिंग सो स्मार्ट कि आपके बच्चों को बचपन से कोडिंग आनी चाहिए। मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था कि कोडिंग जो है वो बच्चों का एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए ताकि जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें जितनी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है या कॉम्प्लेक्स स्टडीज़ हैं ये उन्हें पढ़ने में आसानी होती है। खैर ये रोबोट बच्चों को कोडिंग इस तरह सिखाएगा कि बच्चे इसमें प्रोग्राम करेंगे छोटी छोटी कमांड्स, जैसे कि गो रन अवे, कम बैक, प्रिंट दिस कप, और इस तरह की जितनी भी छोटी छोटी कमांड्स हैं बच्चे इसमें प्रोग्राम करेंगे, और फिर वो देखेंगे कि उनकी सिंपल कमांड्स जो हैं ये रोबोट किस तरह प्ले करता है या रोबोट किस तरह उस पर काम करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो कमांड्स हैं ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग में चली जाएंगी, और इसी तरह बच्चे आहिस्ता आहिस्ता करके ये कोडिंग सीखेंगे। लेट्स सी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं इस तरह का बच्चा हूँ कि मैं अभी कोडिंग सीखना चाहूँ तो मैं नहीं सीख सकती, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन, व्हाट कैन यू से। वेल व्यूअर्स, माई जो अगली न्यूज़ अपडेट है वो पोकेमॉन लवर्स के लिए है, क्योंकि उनके लिए गुड न्यूज़ तो ये है कि अब कंपनी ने अनाउंस किया है, पोकेमॉन बनाने वाली कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि 12 दिसंबर तक
नए पोकेमॉन्स गो भी इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से आप सब अपने सोशल मीडिया पे थोड़े से एक्टिव रहें, ट्विटर पे फॉलो करते रहें पोकेमॉन गो के पेजेस को, और फेसबुक पे भी आप देखते रहें कि आपको कभी भी पता चल सकता है कि नए पोकेमॉन्स जो हैं वो ऐड कर दिए गेम्स में, ताकि आप फौरन जाएं और उन्हें पकड़ लें। वेल व्यूअर्स, हमारी जो लास्ट न्यूज़ अपडेट है उस पर हम लोगों ने बनाया है बहुत इंटरेस्टिंग पैकेज, बिकॉज दिस न्यूज़ इज़ अबाउट पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन फिल्म जो कि यूट्यूब पर आई थी, और ये फिल्म आपके लिए टेलीनॉर लेके आया है, और मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगी बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू सी दिस इंटरेस्टिंग पैकेज। डीजूस लाया पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन फिल्म जिसका नाम है ओए कुछ कर गुजर। ये पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला तजुर्बा है कि कोई फिल्म ऑनलाइन चैनल के लिए बनाई गई है। डीजूस की ओए कुछ कर गुजर डीजूस के यूट्यूब चैनल पर दिखाई जाएगी। ओए कुछ कर गुजर का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। ट्रेलर को देख कर अंदाजा होता है कि फिल्म निहायत शानदार होगी। इस फिल्म में उभरते हुए सितारे जलवागर होंगे, जिनमें नुमाया है अली सफीना, उजैर जसवाल, उष्णा शाह, महजबीन हबीब के अलावा सीनियर अदाकार एजाज नैयर भी स्क्रीन पर नजर आएंगे। फिल्म का ट्रेलर फेसबुक समेत मुख्तलिफ सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पर जारी कर दिया गया है। ट्रेलर देखने के बाद अंदाजा होता है कि फिल्म रोमांस, एक्शन, एडवेंचर और सस्पेंस से भरपूर है, और ये फिल्म अपनी नौयत का अछूता तजुर्बा साबित होगी। फिल्म के लीड स्टार्स ने अपने इंटरव्यूज में फिल्म ओए कुछ कर गुजर की कहानी के कुछ हिस्सों को बयान किया है, जिसमें उनका कहना था कि फिल्म का मौजू मुआशरे में मौजूद फरसूदा रिवायात और पाबंदियों के खिलाफ लड़ना है। कहानी में नौजवानों से कहा गया है कि जो दिल को सही लगता है वो कर गुजरना चाहिए। डीजूस पाकिस्तान के नौजवानों की नुमाइंदगी कर रहा है। इंटरनेट और यूट्यूब के जरिए वो पाकिस्तान के नौजवानों पर मुश्तमिल बड़े पैमाने पर सामयिन के लिए राब्ता करने का बेहतरीन जरिया है। तो जल्दी से आप भी डीजूस पाकिस्तान के यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और फिल्म ओए कुछ कर गुजर देखने के लिए तैयार हो जाएं। वेल व्यूअर्स, आप लोगों ने पैकेज देखा है, होप आपको पसंद आया होगा, और अब आप लोग जाके ये मूवी भी देखेंगे ताकि आपको पता चले कि ये फर्स्ट ऑनलाइन मूवी कैसी है, क्या ये पुरानी मूवीज जैसी है लाइक जो हमारी कमर्शियल मूवीज होती हैं उन जैसी है, या इस ऑनलाइन मूवी में कुछ नई बात है, कुछ खास बात है। तो आप लोग मूवी देखें, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक व्यूअर्स, अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ, और आज का हमारा जो सेकंड सेगमेंट है इट्स अबाउट पासवर्ड्स। आई नो कि पासवर्ड्स बहुत सिंपल लग रहे हैं फिलहाल, लेकिन व्हेन वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट तो आपको पता चलेगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ऑफकोर्स इट्स अ स्मॉल वर्ड, इट्स अ स्मॉल थिंग, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और आजकल के कनेक्टेड वर्ल्ड में, आजकल की इस कनेक्टेड सोसाइटी में जहाँ हमारे ढेरों ढेर किस्म के सोशल मीडियाज़ हैं हमारे पास, हम अपनी ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे होते हैं, हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, हम लोग सब काम अपने ऑनलाइन कर रहे होते हैं, तो जब इतना कुछ ऑनलाइन हो रहा होता है तो उन सब के लिए एक की है, दैट्स योर पासवर्ड, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स टॉक अबाउट पासवर्ड्स टुडे, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट पढ़ी थी, इट वाज रिपोर्ट लिंकर, एक मार्केट रिसर्च कंपनी है जिसने बताया कि दिस इज़ द कंजेक्टिव फिफ्थ ईयर जब उन्होंने लोगों के सब ज़्यादा प्रिडिक्टेबल पासवर्ड्स के बारे में रिसर्च की, और वो कहते थे कि पाँचवा साल है कि लोग दो ऐसे पासवर्ड्स हैं जो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये आज तक टॉप पे हैं, और वो पासवर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6। ये एक पासवर्ड है जो कि लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उसके अलावा पासवर्ड इटसेल्फ, ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अपना पासवर्ड रखने के लिए, और जब मैंने रिसर्च पढ़ी तो थोड़ी सी मुझे हैरानगी इसलिए भी हुई थी क्योंकि पासवर्ड इज़ अ काइंड ऑफ वर्ड जो मैंने भी एक ज़माने में अपना पासवर्ड ज़रूर रखा था। और अब मैं आपको बताती हूँ उसके पीछे थोड़ी सी साइंस क्या है, क्यों रखते हैं आप ऐसे पासवर्ड, बिकॉज दे आर ईजी टू रिमेंबर। लेकिन अब ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हेन अ थिंग इज़ ईजी टू रिमेंबर तो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाती है, और जब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाती हैं तो वो बड़े आराम से हैक भी हो सकती हैं, और इस चीज़ का अंदाज़ा आपको तब होता है जब आपका अकाउंट हैक हो जाता है। अभी रिसेंटली FBI ने एक ट्वीट किया जिसके ऊपर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के कान खड़े हो गए, और उन्होंने अच्छा खासा एक क्रिटिसाइज़ किया FBI के एक ट्वीट को। ट्वीट में आपको बताती चलूँ, बिकॉज इट्स हॉलीडे सीजन, क्रिसमस नज़दीक है तो लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो FBI ने एक ट्वीट किया था कि यस पीपल आर शॉपिंग ऑनलाइन, कीप योर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग सिक्योर एंड चेंज देम फ्रीक्वेंटली। सेफ एंड सिक्योर तक तो बात ठीक थी, स्ट्रॉन्ग तक भी बात ठीक थी, लेकिन व्हेन दे सेड चेंज योर पासवर्ड फ्रीक्वेंटली तो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि FBI जैसी एक इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है वो ऐसी बात कैसे कर सकती है लोगों से, बिकॉज अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स आपको अपना जो पासवर्ड है उसे फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना चाहिए जब तक कि उसकी कोई खास ज़रूरत ना हो, और उसके पीछे एक लॉजिक है जो कि मैं आपको बताती हूँ। फ्रीक्वेंटली चेंज करना पासवर्ड एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स की
की नज़र में, और वो इसलिए क्योंकि जब आप अपना एक पासवर्ड सेट करते हैं तो चले आप उसे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करने के लिए उसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। लेकिन क्या होता है कि आप अगर अपना पासवर्ड हर महीने चेंज करेंगे, ऑफकोर्स यू हैव टू रिमेंबर योर पासवर्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और इसी तरह जब आप एक कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड दूसरी दफ़ा रखेंगे, तीसरी दफ़ा रखेंगे, आपको भूलना पड़ेगा, आपको उसे याद रखना पड़ेगा, भूलते रहेंगे उस पासवर्ड को, तो यू विल एंड अप मेकिंग अ सिंपलर पासवर्ड। तो कुछ टाइम के बाद ये होगा कि आपका जो पासवर्ड होगा वो ऑटोमेटिकली सिंपल हो जाएगा। लाइक एक अगर आप एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते थे और आप उसे 6 महीने में 3 दफ़ा चेंज करते हैं, तो आपको 3 दफ़ा एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड याद करना पड़ा, जो कि आप ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली आपको इस तरह इफेक्ट करेगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप अपना पासवर्ड रखेंगे तो आप उसे सिंपल रखेंगे ताकि वो मुझे याद रहे। तो ये चीज़ जो है ये आपके पासवर्ड को फिर हैक करने के लिए बहुत आसान बना देती है। सो दैट्स वन रीज़न टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने FBI की पोस्ट को या ट्वीट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि वो कह रहे थे कि FBI लोगों को मिसगाइड मत करे, क्योंकि लोग जब अपना पासवर्ड बहुत सिंपल रखेंगे तो उनका अकाउंट हैक हो सकता है। अब आपका अकाउंट कैसे कैसे हैक हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ अगर हम लोग देखें तो एक तो ये है कि कोई डायरेक्टली आपके अकाउंट को हैक करे, लाइक आपको हिट करे जस्ट टू टेक योर पासवर्ड। अब वो शख्स आपके फ्रेंड्स में भी हो सकते हैं, या ऐसा कोई जो डिलिबरेटली आपका अकाउंट हैक करना चाहता है तो वो ये कर सकते हैं। सेकेंडली ये भी हो सकता है कि आप एक विक्टिम बन सकते हैं एक ब्रूट फोर्स अटैक के। ब्रूट फोर्स अटैक एक गो टू स्ट्रैटेजी है जिससे आपका पासवर्ड क्रैक किया जाता है, तो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू लोग आपका पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं। और तीसरा, आपका अकाउंट ऐसे भी हैक हो सकता है अगर आप विक्टिम है एक डाटा ब्रीच के, और उसके अगर आप विक्टिम है तो भी आपके जो अकाउंट का पासवर्ड है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो व्यूवर्स, आपने देखा कि अकाउंट आपका बड़े आसानी से हैक हो सकता है अगर आपका जो पासवर्ड है वो थोड़ा सा आइडियल नहीं है। तो सबसे पहले तो आप कुछ ऐसी है ना जो डूज एंड डोंट्स होते हैं अपने पासवर्ड रखने के, तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, हम थोड़े से डोंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि डोंट डू सच थिंग्स। और उसमें सबसे पहली चीज़ आती है डोंट कीप योर बर्थडे और योर पेट नेम, या बहुत ही आपकी जो ऑब्वियस चीज़ है एज योर पासवर्ड, क्योंकि अगर आपका पासवर्ड हैक होगा तो सबसे पहले जो कहते हैं कि सबसे प्रिडिक्टेबल चीज़ें होती हैं वो आपकी बर्थडेज होती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग अपनी बर्थडेज को अपना पासवर्ड बना देते हैं। प्लस उसके बाद लोग अपने पेट नेम्स को, जो पेट के नाम है उनको अपना पासवर्ड बना देते हैं, ठीक है, और इस तरह करते हैं लोग, तो फिर जस्ट डोंट डू दैट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाता है। दूसरी बात ये कि डोंट राइट योर पासवर्ड एनीवेयर। अक्सर लोगों की आदत होती है जब वो पासवर्ड्स वैसे तो वहाँ लॉगिन लिख रहे होते हैं और फिर वो साथ ही किसी डायरी पे भी वो पासवर्ड लिख सकते हैं। एनीवन हु हैज दिस हिंट कि आपका ये पासवर्ड है, आपका अकाउंट तो बहुत आराम से मतलब आपके हाथों से लिखा हुआ हैक हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि किसी को भी ऑनलाइन मीडियम के थ्रू अपना पासवर्ड मत बताएं, फेसबुक मैसेजेस के थ्रू, ईमेल के थ्रू, या इस तरह फ़ोन के ऊपर किसी को अपना पासवर्ड मत बताएं। ये भी आपके पासवर्ड को ऑफकोर्स हैक कर सकता है बड़े आराम से कोई, अगर कोई और सुन रहा हो। उसके अलावा आप अपने ऑटोफिल फॉर्म्स को मत सेव रखें, आप अपनी कैश को या हिस्ट्री को क्लियर करते रहें और अपने पासवर्ड्स को ज़्यादा देर एक ब्राउज़र पर सेव मत करें। और सबसे इंपॉर्टेंटली, अगर आप कोई पब्लिक PC यूज़ कर रहे हैं या फिर कहीं और से इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप उसे हिस्ट्री क्लियर करके उठें, क्योंकि आपके पासवर्ड सेव हो जाएंगे और इस तरह आपका जो अकाउंट है वो हैक हो सकता है। वेल व्यूअर्स, हमने बातें तो बहुत ज़्यादा कर ली कि अकाउंट हैक कैसे हो सकता है और क्या पासवर्ड्स हैं जो हैक हो सकते हैं। नाउ आई टेल यू सम इजी स्टेप्स जो आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू कीप योर अकाउंट सिक्योर, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो आपका बैंक अकाउंट है, चाहे आपका कोई और अकाउंट है, आप उसे सेव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप 2-way वेरीफिकेशन सिस्टम लाजमी कर लें। आई नो ये थोड़ा सा अनॉइंग है व्हेन इट कम्स टू 2-way वेरीफिकेशन सिस्टम, लेकिन ये जो है ये बहुत ज़्यादा आपके अकाउंट को सिक्योर कर देता है। 2-way वेरीफिकेशन सिस्टम वर्क्स लाइक दिस कि आप उसमें अपना मोबाइल फोन नंबर एंटर करेंगे, अपने ईमेल एंटर करेंगे, और जैसे ही आपका जो आईडी है वो किसी डिफरेंट ब्राउजर से ऑनलाइन होता है या किसी और जगह से ऑनलाइन आता है, तो आपके मोबाइल फोन पे एक कोड आएगा। जब तक आप वो कोड उसमें एंटर नहीं करेंगे, आपका कोई अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकता। सो दिस मेक्स योर अकाउंट रियली सिक्योर। थोड़ी सी वो कहते हैं ख्वारी जरूर है, लेकिन आपका अकाउंट बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाता है। नाउ द अदर थिंग विच विल कीप योर पासवर्ड सेफ, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वो है कि यूज़ अ पासवर्ड मैनेजर। एक कुछ एप्लीकेशंस हैं, प्ले स्टोर पर भी हैं, गूगल पे भी आपको मिल जाएंगी, एंड्रॉयड स्टोर्स पे भी हैं, आपको iTunes पे भी मिल जाएंगी, जो कि दे वर्क एज योर पासवर्ड मैनेजर। और वो क्या करती हैं कि वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट के पासवर्ड जो हैं उन्हें एक तो स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, दे रिमेंबर इट, और आपको एक दफ़ा उसके अंदर अपना ID से लॉगिन करना पड़ता है, उसके बाद आपको एक पासवर्ड याद रखना पड़ता है जो उस एप्लीकेशन का होता है, और बाकी काम वो एप्लीकेशन करती है। आपके सोशल मीडिया के जितने भी पासवर्ड्स हैं, आपके अकाउंट्स के जितने भी पासवर्ड्स हैं, उन्हें जो हैंडलिंग है ये एप्लीकेशन करती हैं, और ये भी बहुत
ज़्यादा सिक्योर हैं। और लेकिन हर दूसरी तीसरी ऐप को भी इंस्टॉल ना करें, एक दफ़ा इंस्टॉल करने से पहले देख लें कि आप एक वेरीफाइड कंपनी की ऐप यूज़ कर रहे हैं। मैं ऐसी आपको तीन एप्लीकेशन के बारे में बताती हूँ जो पासवर्ड मैनेजर्स हैं, उनमें से एक जो है इट्स लास्ट पास सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, और दूसरी है वन पासवर्ड, और एक है डैशलेन। आप इन तीनों में से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ये ऑलमोस्ट एक जैसा काम करती हैं, और ये इनके जो रिव्यूज़ हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और ये मैंने भी यूज़ करके देखे, देर रियली गुड। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पासवर्ड्स थोड़े से सेफ रहें, ट्राई यूजिंग दीज ऐप्स। वेल व्यूअर्स, ये तो होगी हमारी थोड़ी पासवर्ड्स की और सिक्योरिटी की बातें, क्योंकि इतने ज़्यादा कनेक्टेड वर्ल्ड में आपको थोड़ा सा सिक्योर तो रहना ही पड़ेगा। खैर, आप लोग अपनी सिक्योरिटी देखें, वी आर गोइंग फॉर अ ब्रेक, और जब हम लोग ब्रेक से वापस आएंगे वी विल डिस्कस सोशल मीडिया सेगमेंट। वेलकम बैक व्यूअर्स, अब हम लोग चलते हैं अपने सोशल मीडिया सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे हमारे पास फेसबुक, ट्विटर एंड देन इंस्टाग्राम। और सबसे पहले हम लोग चलेंगे फेसबुक की तरफ, और फेसबुक पे आज जो हमारे पास स्टोरी डिस्कस करने के लिए, मेरे ख्याल से पूरी पाकिस्तान में वही स्टोरी डिस्कस हो रही है, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी, सोशल मीडिया पे, सिर्फ फेसबुक पे नहीं, ट्विटर पे भी और हर जगह पे, लेकिन बहुत ज़्यादा पोस्ट या बहुत ज़्यादा जो मैं अपडेट्स देखती हूँ फेसबुक पे देख रही हूँ, एंड फेसबुक इज़ ऑल अबाउट द प्लेन क्रैश। वेल व्यूअर्स, माई फेसबुक इज़ ऑल अबाउट PK-661, और कुछ तो पता है कि जो भी प्लेन क्रैश हुआ था पाकिस्तान में, इट वाज वेरी सैड इंसिडेंट, और उसकी सब वो कहते हैं कि एक न्यूज़ फीड का वो कहते हैं आपका एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया है। व्हेन आई सी माय फेसबुक तो मुझे ज़्यादा कुछ और डिफरेंट नहीं नज़र आ रहा होता, मुझे प्लेन क्रैश की पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, लोग स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गम और का इजहार कर रहे हैं, अफसोसनाक एक हादसा था उसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, देर शेयरिंग द स्टेटसेस, दे आर शेयरिंग पिक्चर्स ऑफ जुनेद जमशेद, और फिर जितने भी लोग उनकी डेथ होगी उन सब के लिए दुआ कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और हर कोई अपनी न्यूज़ फीड पर किसी ना किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जो चीज़ें मुझे देखने को सबसे ज़्यादा मिली हैं वो ये कि क्रैश के पिक्चर्स हैं उधर के, जिस टाइम पे क्रैश हुआ हो या उसके बाद की भी पिक्चर्स हैं, और बहुत ज़्यादा मीम्स बन गए हैं, बहुत ज़्यादा शेर व शायरी यूज़ कर रहे हैं, लोगों ने अपने कवर फोटोज़ भी चेंज किए फॉर दिस इंसिडेंट, और जुनेद जमशेद की पिक्चर्स बहुत ज़्यादा शेयर हो रही हैं, उनकी जो लास्ट नात उन्होंने पढ़ी थी खादिम तुम्हारा शहीद आ रहा है, वो लोग बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, और उनसे रिलेटेड फिर लोग बहुत ज़्यादा और चीज़ें शेयर कर रहे हैं दैट, और जुनेद जमशेद की पूरी जर्नी भी शेयर हुई है बहुत ज़्यादा इस इंसिडेंट के बाद, मतलब जुनेद जमशेद वॉज समवन ट्रेंडिंग अलॉट, एक ये इंसिडेंट और उसके साथ साथ पैरेलल हम लोग जुनेद जमशेद की भी ट्रेंडिंग देख रहे हैं। खैर, ये तो हम लोग अगर सिर्फ फेसबुक की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस इंसिडेंट वॉज ऑल ओवर सोशल मीडिया, तो अगर हम लोग ट्विटर पे चलते हैं और अपने कुछ हैशटैग्स डिस्कस करते हैं, तो हैशटैग पे जो हमारा एक हैशटैग है जो थ्रू आउट वीक ट्रेंडिंग में था, इनफैक्ट आज भी ट्रेंडिंग में है, इट इज़ PK-661, हैशटैग PK-661, और वही चीज़ बहुत सारे फेमस एंकर्स ने, बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ ने और ट्वीट किया है अबाउट दिस इंसिडेंट, अफसोस का इजहार किया है, और जितने भी लोग फोत हो गए उनके लिए दुआ की हुई है, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है, सिर्फ सेलिब्रिटीज़ ने नहीं लेकिन एक कॉमन इंसान को भी अगर हम देखें तो हर ट्वीट पे आपको ये सब कुछ नज़र आ रहा था, दैट्स द रीज़न दिस हैशटैग इज़ ट्रेंडिंग थ्रू आउट दिस वीक। इसके साथ ही जो दूसरा हैशटैग अगर हम लोग ट्विटर पे देखते हैं जो ट्रेंडिंग में था, इट वाज हैशटैग मे गॉड, और इट्स अ काइंड ऑफ विश हैशटैग, जैसे कि आप कहते हैं कि मे गॉड ब्लेस अस ऑल, और मे गॉड दिस हैपेंस, मे गॉड सेव ऑल मुस्लिम्स, मे गॉड दिस, मे गॉड दिस, तो फिर लोगों ने बहुत सारी अपनी विशेज़ भी लिखी, लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआएँ की मे गॉड के हैशटैग के साथ, एंड ऑफकोर्स फिर देन अगेन मैं वही कहूँगी कि ये जो हमारा एक इंसिडेंट हुआ था प्लेन क्रैश का, वो भी मे गॉड में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, सो दिस हैशटैग वॉज ऑल्सो कनेक्टिंग टू दैट, लेकिन अदर देन दैट ये हैशटैग एक इंटरनेशनल हैशटैग था जिस पे दुनिया भर से लोग ट्वीट कर रहे थे, नॉट ओनली पाकिस्तानीज बट इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी, लेकिन ज़्यादातर ये हैशटैग दुआओं के ऊपर था, ब्लेसिंग्स के ऊपर था। वेल मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, तो उसे बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने दो ऐसे हैशटैग्स लिए जो थोड़े से डिफरेंट थे, जो थोड़े से मूड चेंजर थे, और उसमें एक जो हैशटैग हमारे पास है इट्स हैशटैग सच है, और दिस हैशटैग वाज रियली फनी क्योंकि सच है था, और लोग उसमें बहुत सारी डिफरेंट बातें लिख रहे थे, ट्वीट कर रहे थे ऐसी चीज़ें जो उन्हें लगता है कि ये सच है, जैसे कि बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि सूरत नहीं देखनी चाहिए, सीरत देखनी चाहिए, सच है, और इसके साथ बहुत ज़्यादा ट्वीट्स ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा फनी थे। सच है में जो सबसे फनी ट्वीट जो मुझे लगा था वो ये था कि औरत अगर चाहती है कि वो खूबसूरत नज़र आए तो उसे चाहिए कि वो नज़र ही ना आए, आई मीन हद नहीं होगी,
ये सच बिल्कुल भी नहीं है, पर ये बहुत अच्छा ट्वीट था। इसके साथ ही हम लोग चलते हैं अपने लास्ट हैशटैग की तरफ, जो कि है #F8 और #TheFateOfTheFurious। ये मैं आपको बताती चलूँ कि फास्ट एंड फ्यूरियस के जितने भी फैंस बैठे हैं ये उनके लिए है फास्ट एंड फ्यूरियस 8, जिसे F8 भी कह रहे हैं। तो F8 का जी फाइनल टाइटल आ चुका है और वो टाइटल है द फेट ऑफ द फ्यूरियस। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्वीट्स थे और लोग बिल्कुल भी खुश नहीं ज़्यादा मुझे नज़र आए थे। बहुत कम ऐसे लोग थे जो इसके बारे में एक्साइटेड थे, बिकॉज ज़्यादातर लोगों का कहना ये था कि अब ये जो सीरीज़ है ये थोड़ी लेम होगी है, और लुक एट द टाइटल, लोगों को टाइटल भी अच्छा नहीं लगा कि क्या मतलब द फेट ऑफ द फ्यूरियस और ये स्टफ़ लाइक दैट। तो लोग ज़्यादा खुश नज़र नहीं आए हमें, लेकिन न्यूज़ ये है कि टाइटल आ गया है हमारे पास फास्ट 8 का। वेल व्यूअर्स, ये हो गया हमारा ट्विटर ख़त्म। अब हम चलते हैं इंस्टाग्राम की तरफ, और इंस्टाग्राम पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज चल रहा है रिलेटेड टू डिसंबर। जैसे कि आपको पता है कि जब वो नवंबर होता है तो वो एक टिपिकल चैलेंज स्टार्ट हो जाता है, वो नो शेव नवंबर टाइप, लेकिन डिसंबर इज वेरी डिफरेंट। इंस्टाग्राम पे एक चैलेंज चल रहा है, दैट इज #DecemberPhotoChallenge, और लोग अपनी डिसंबर फोटो शेयर कर रहे हैं, और वो बहुत डिफरेंट फोटोज है, मतलब एक स्पेसिफिक फोटो नहीं है, लेकिन लोग उसे डेली बेसिस पे चेंज कर रहे हैं। मैंने कुछ लोगों को तो ऐसे भी देखा, लाइक day 1 डिसंबर फोटो चैलेंज, day 2 डिसंबर फोटो चैलेंज, मतलब okay, fine, मतलब आप इतना सीरियसली ले रहे हैं इस चैलेंज को। चैलेंज ये था कि आप अपनी दिसंबर की फ़ोटो जो है वो शेयर करते हैं, कि आपकी आपको क्या लगता है कि दिसंबर को क्या चीज़ बेस्ट डिस्क्राइब करती है। तो इस तरह लोग जो है उसमें बहुत सी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, जस्ट लाइक पीपल आर शेयरिंग क्रिसमस ट्रीज क्योंकि दिसंबर में होती है, पीपल आर शेयरिंग देयर बेड्स क्योंकि वो कोज़ी होते हैं, और फिर देन पीपल आर शेयरिंग कप ऑफ टीज, देन वी सी चॉकलेट्स, वी सी टेडी बेयर्स, और इस तरह बहुत ही डिफरेंट है। फिर कुछ लोग अपनी भी पिक्चर शेयर करते हैं, दिस इज़ माई दिसंबर फोटो चैलेंज। सो दिसंबर फोटो चैलेंज इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आप लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है या नहीं, मुझे लगता है कि अगर नहीं किया तो फिर आप कर ले, दिसंबर तो अभी यही है। वेल व्यूअर्स, यहाँ हम होता है हमारा सोशल मीडिया सेगमेंट खत्म। अब हम लोग चलेंगे मस्ट हैव ऐप्स की तरफ, और आज भी हमारे पास जो मस्ट हैव ऐप्स में है वो दोनों ऐप्स बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। पहली ऐप जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इट्स एड ब्लॉक ब्राउजर, और एड ब्लॉक से या एड ब्लॉकर से आप लोग मेरे ख्याल से फेमिलियर तो होंगे, क्योंकि जब हम लोग इंटरनेट पर कुछ ब्राउजिंग कर रहे होते हैं और हमारे डिफरेंट तरह के एड जो है वो पॉपअप होते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं उस चीज़ से, ऑफ कोर्स होते हैं, क्योंकि काम कुछ और कर रहे होते हैं, एड्स पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो इसी तरह की जो है आपको, अब जो मसले हैं ना वो स्मार्टफोन पे भी नज़र आते हैं, क्योंकि अब हम लोग अपने लैपटॉप्स को थोड़ा कम यूज़ करते हैं, हम अपने स्मार्टफोन्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऐसा ही होता है कि जब आप लोग कुछ ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो आपके ब्राउजर में बहुत सारे एड्स आ रहे होते हैं जो आपको इरिटेट कर रहे होते हैं, जो आपके काम को ना सही तंग कर रहे होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये ऐप इंस्टॉल करें, दिस इज़ एड ब्लॉक ब्राउज़र। ये क्या करेगी कि आपके ब्राउज़र पर आने वाले एड्स को, आई मीन 70% एड्स को तो ये ब्लॉक कर देगी बड़े आराम से, बिकॉज आई हैव यूज दिस। तो ये बड़े वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा एफिशिएंटली काम करती है ये ऐप। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इंस्टॉल दिस ऐप और आप फिर मुझे बताएं कि आप कोई एड ब्लॉकर कैसा लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि देर प्लेंटी ऑफ एड ब्लॉकर्स, लेकिन मुझे जो थोड़ा कंपैरेटिवली अच्छा लगा था वो ये वाला एड ब्लॉकर था। सो एड ब्लॉक ब्राउजर, यू कैन ट्राई दिस ऐप एंड लेट मी नो कि आपको कैसा लगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर सेकंड ऐप, आज की हमारी जो सेकंड मस्ट हैव ऐप है, दैट इज फोटो वॉल्ट ऐप। और फोटो वॉल्ट इसलिए क्योंकि आपके गैलरी में बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स हैं जो आप रखना भी चाहते हैं, और आप ये भी चाहते हैं कि अगर कोई और आपका फ़ोन यूज़ करता है किसी और पर्पज़ के लिए तो वो उन पिक्चर्स पे एक्सेस ना हो उसकी, और वो पिक्चर्स ना देखें। नॉर्मली ये भी होता है कि हम अपने घर वालों से भी बहुत सारी पिक्चर्स छुपा रहे होते हैं। सो फोटो वॉल्ट इज़ अ परफेक्ट ऐप फॉर पीपल हु वॉन्ट टू हाइड देयर फोटोज़, और आप इस फोटो वॉल्ट को ऐड कर लें, उसमें आपकी गैलरी में जितनी भी पिक्चर्स हैं वो ईजिली फोटो वॉल्ट में ट्रांसफ़र हो जाती हैं और वो सेव होती हैं। उसका एक पासवर्ड होता है जो सिर्फ आपको पता होगा, और आपके पासवर्ड के अलावा कोई भी बंदा उस पिक्चर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। सो यू कैन बी वेरी केयर फ्री, मतलब आप जब किसी को अपना फोन दे रहे होते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि ओ माई गॉड इसमें तो मेरी पिक्चर्स हैं, कोई देखना दे, कोई ये ना हो जाए। तो यू कैन जस्ट सेव योर पिक्चर्स, ये एक बहुत ही ईजी सी ऐप है एंड यू कैन बी वेरी सेफ। वेल व्यूअर्स, मैं चाहती हूँ कि जो दोनों ऐप्स मैंने आपको बताई हैं आप इन्हें इंस्टॉल जरूर करें, और फिर आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये ऐप्स कैसी लगी हैं। और सेकेंडली ये भी, अगर आपको ये लगता है कि कुछ ऐप्स इनसे ज़्यादा बेटर हैं तो भी हमें ज़रूर बताएं, हम अपने प्रोग्राम में उन ऐप्स को शामिल करेंगे। और अब इसके साथ ही हम लोग चलते हैं बाय बाय की तरफ, आप लोग दें हमें इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आएंगे और न्यूज़ के साथ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।